पटना, गया और मुजफ्फरपुर में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लोगों के घरों में स्मार्ट सिलेंडर से खाना पकने लगेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस नए सिलेंडर को कंपोजिट सिलेंडर का नाम दिया गया है। इसकी विशेषता यह है कि आपको इसमें यह पता चल जाएगा कि कितनी गैस बची हुई है और कितनी खर्च हो गई है। कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा वक्त में कंपोजिट सिलेंडर दिल्ली, हैदराबाद, फरीदाबाद और लुधियाना में चुनिंदा वितरकों के पास ही है, जो 5 किलो और 10 किलो के साइज में उपलब्ध है। जल्द ही इसे सूबे के 3 जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा। पटना, गया और मुजफ्फरपुर जिले में सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। सामान्य सिलेंडर की तरह ही कंपोजिट सिलेंडर की होम डिलीवरी होगी। मिली जानकारी के अनुसार इंडियन कंपोजिट सिलेंडर का साधारण सिलेंडर से अधिक मजबूत और सुरक्षित है। इसका निर्माण 3 परतों से हुआ है। यह एक ब्लू मोल्ड हाई डेंसिटी पॉलीइथाइनिल इनर लाइनर से बना होता है, जो पॉलीमर लिप्टे फाइबर ग्लास की एक परत से ढका होता है और बाहर HDPE जैकेट में फिट होता है। इनका वजन स्टील के सिलेंडर की तुलना में लगभग आधा होता है। सिलेंडर के कुछ हिस्से पारदर्शी होंगे, जिससे ग्राहक आसानी से देख पाएंगे कि कितनी गैस बची हुई है। कंपोजिट सिलेंडर को स्मार्ट किचन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अधिकारियों की माने तो जिन ग्राहकों को कंपोजिट सिलेंडर चाहिए, उन्हें इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। 10 किलो सिलेंडर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 3,350 रुपये है, जबकि 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2,150 रुपये हैं। इंडेन के ग्राहक अपना मौजूदा सिलेंडर नए कंपोजिट सिलेंडर से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का अंतर पेमेंट करना होगा। तो अब जल्द ही बिहार के पटना, गया और मुजफ्फरपुर में कंपोजिट सिलेंडर का इंतज़ाम किया जाएगा। आपको बता दें कि ये एक स्मार्ट सिलेंडर है और इस स्मार्ट सिलेंडर के जरिए आपको ये पता चल सकेगा कि आपने कितने गैस की खपत की है। और ये सिलेंडर पटना में अक्टूबर महीने से उपलब्ध करवा दिया जाएगा।